सो गाइस, रूम का टूर तो सब लोग देते हैं, कभी होटल का टूर देते हो सुना? आज मैं दूंगा, ठीक है? तो ये होटल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई, तो मैंने सोचा यार क्यों ना यार इसके बारे में अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बताया जाए। चलिए जी, अभी आपको ना अपने रूम का एक टूर दे देते हैं कि अपना रूम है कैसा। तो ये जी अपना 502 नंबर रूम, ये यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे कवर्ड है, सामने बाथरूम, गीज़र लगा हुआ, मस्त गर्म पानी एकदम बिल्कुल मस्त, और इधर अपना बेड है, ठीक है? रात हमने यहीं बिताई है, और कैटल दी हुई है, ये तो अपना कैस्ट्रोल का है, ये पानी की बॉटल कुछ और मत समझ लेना, ये अपना कैमरा का, ये अपना सामान पड़ा है। यहाँ से बालकनी भी है, सॉरी यहाँ पे पूरी फुल बड़ी विंडो, थोड़ी भाप और क्या होता है ओसी आई हुई है, मतलब हाँ समझ जाओ ओसी आई, उसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। आफ्टर दैट इधर ये है अपने बालकनी, और इसके बाद चले गए हम लोग नेक्स्ट रूम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाला रूम देखते हैं। सीरियसली ये एम्बियंट कितना अच्छा है इसका, वाह। एंड यहाँ पे बालकनी है, बालकनी से बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो अभी आपको इस प्रॉपर्टी का डे टाइम का व्यू दिखाई दे रहा होगा, डे टाइम का व्यू दोस्तों कितना ही सुंदर है। लुक एट दिस आर्ट, ये देखो। चलिए बाथरूम का टूर हो जाए। ये बाथरूम काफ़ी अच्छे हैं, एक बंदा आराम से लेट सकते हैं। तो बाथरूम का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ओके, 6500 इस रूम का प्राइस है। तो आपको यहाँ पे कबर्ड मिल जाती है, अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है उसके लिए ये वाला स्पेस काफ़ी अच्छा है। मैं भी अपने रूम में इसी टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। एंड लुक एट दिस वर्क यार, ये वुडन का वर्क क्या प्यारा है। चले दूसरे रूम में चलो। ओके, और जैसे हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं यहाँ पे एक ट्री की शेप शायद कुछ बनाई हुई है, मतलब मेरे को ट्री लग रहा है। और ये वुडन है? नहीं, ये वुडन नहीं है, ये मेटल है। किधर? ऊपर। चलो चलिए, बहुत ही प्यारा है वुडन का काम, देखो ये बहुत प्यारा है यार। और सेम इस तरफ में बालकनी, इधर लाइट है भैया, ये लाइट ऑन करना। इधर का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है बड़ी सी बैठने के लिए, और यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रूम का जो प्राइस है वो है 7000, लेकिन यार जैसी ये प्रॉपर्टी है ना, जैसी इसकी लोकेशन है, 7000 भी ज़्यादा नहीं है यार। ये है मिरेला का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में आपको बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिल जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सारी की सारी पेंटिंग जो यहाँ गेस्ट आते हैं उन्होंने बनाई है, है ना अमेजिंग। यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं रोहित भैया, जो कि यहाँ के करता धरता है, एक स्माइल बड़ी अच्छी है। एंड आज हमारे लिए आया है पास्ता, सीरियसली बहुत ही अभी मैंने ट्राई किया। किसने बनाया है पास्ता? अरे शेफ का नाम बताओ यार, पंछी। और अभी आप देख रहे हो कि मिलेरा का रात का व्यू कैसा आता है बाहर से, कूल है ना। तो
सो गाइस हम लोग वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करने के बाद में पता चलता है कि एडिटिंग के टाइम पे कि हमने कुछ चीज़ें मिसिंग छोड़ दी हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताया कि मेरे रूम का प्राइस क्या था। तो गाइस मेरे रूम का प्राइस था 3500। दूसरी बात, यहाँ पे डॉर्मेट्रीज भी अवेलेबल हैं। डॉर्मेट्रीज की मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज वहाँ पे कुछ गेस्ट आराम कर रहे थे। अगर आप बुक करना चाहते हैं मिरेला के अंदर अपना कोई कुछ टाइम का स्टे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और अपना स्टे बुक कीजिए। तो इन दी एंड गाइस, तो अब टाइम है वीडियो को एंड करने का। तो होप करते हैं ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राम राम जी।